हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए कोई माफी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है उसकी सजा मौत है। ये पूरा का पूरा अखबार ही क्राइम की खबरों से भरा पड़ा है। क्या होगा इस देश का? जब तक इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी ना, ये क्राइम रेट कम नहीं होने वाला है। जब मैं एक्टिविस्ट था, ना जाने कितने अपराधियों को हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, और अब कोई भी क्राइम होता है तो लोग हफ्ते भर में भूल जाते। हाँ, दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसकी चिंता है आपको, लेकिन अपनी बीवी की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, है ना? अब छोड़िए सब अपराध शबराध, आप ना अब रिटायर हो गए। अरे श्रद्धा, इन अपराधियों ने पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मेरा बस चले ना तो मैं सबको गोली मार दूंगा। ओ बेवकूफ इंसान, एक कप ठीक से नहीं संभलता तुझसे। माफ कीजिए साहब, गोली मारने की बात सुनी तो डर गया। चुप कर। अच्छा शांत हो जाइए ना आप, शांत हो जाइए, मैं हूँ ना। सुनो, वो सब साफ करो और दूसरा नाश्ता लेके आना। जी। ये आप क्या कर रहे हैं? नौकरों के साथ ऐसे मत बर्ताव कीजिए। देखिए, उनको बुरा लगे ना वो छोड़ कर चले जाएंगे, फिर सारा काम मुझे करना पड़ेगा और ये सब घर का काम मुझसे नहीं होने वाला। हाँ, आप समझ गए? हेलो, क्या बकवास है? ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे सामने बैठे और सही सलामत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको गलत न्यूज मिली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, क्या हुआ? शालिनी का फोन था, वो कह रही थी कि आपके पति की मौत की खबर सुनकर बुरा लगा। ये बकवास कर रहे हैं, हंस रहे हैं आपको। हेलो, एक मिनट, ये आपको न्यूज किसने दिया और क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ, ओके ओके, अब फोन रखिए पहले। ये देखो क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग, सब क्या हो रहा है, ये क्या बकवास किए जा रहे हैं? क्या श्रद्धा, क्या? एक मिनट। अरे क्या क्या हुआ, क्या क्या है इस अखबार में? ये देखिए, क्या है? पढ़िए। मेरी मौत की खबर? बहुत अकड़ आ गई है ना तुम में, सारी दुनिया को सुधारने चले थे, देखो आगे होता है क्या। जो तुमने किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। कान खोलकर सुन लो विपुल बाबू, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, केस करूंगा तुम्हारे अखबार के ऊपर। ऐसा मत कीजिए प्लीज, जो गलती मेरी न्यूज़पेपर से हुई है उसके लिए मैं खुद आपसे माफी मांगता हूँ। बरसों के मेहनत के बाद हमारे अखबार को इतना नाम मिला है, अगर आप केस कर देंगे ना तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। अरे हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही है कि बिना कंफर्म किए एक जिंदा आदमी की श्रद्धांजलि छाप कैसे सकते हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका भतीजा आपकी डेथ सर्टिफिकेट लेकर नहीं आया होता तो हम नहीं छापते। ओ विपुल बाबू, इस दुनिया में मेरी बीवी के सिवा मेरा और कोई नहीं है। देखिए रमेश जी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो आदमी हमारे पास आपका डेथ सर्टिफिकेट लेकर आया है वो आपका भतीजा नहीं बल्कि कोई चालबाज है। माफ कीजिएगा, मैं आज के एडिशन में ये गलती और माफीनामा दोनों छाप देता हूँ, ठीक है सर? हाँ ठीक है ठीक है, तो मैं जा सकता हूँ? थैंक यू। ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन है वो जो हमारी मेरी श्रद्धांजलि छपवाना चाहता था अखबार में। कौन कर सकता है ऐसा मजाक हमारे साथ? बेहुदा लोग। साहब तो क्या है? साहब वो कुछ पैसे चाहिए। देख लिया, 2 महीने हुए नहीं और पैसा चाहिए। अब चंदुशन, चंदनी क्या है, 2 दिन पहले मैंने तुम्हें सैलरी दी ना, तो फिर ये एडवांस
एडवांस नहीं मिलने वाला तुम्हें, ठीक है? जाओ अब। मैडम जी, गांव में बहन की शादी है, घर में पैसे भेजने का वादा कर दिया है। अबे तेरे खानदान का ठेका ले रखा मैंने, हैं? एक बार कह दिया कि एडवांस नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बस। साहब, थोड़ा बहुत जो भी कर पाए बहुत जरूरत है। अरे चंदर, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और टेंशन मत दे। पैसा नहीं मिलेगा, काम करना करो, ये भागो, जाओ यहाँ से। साहब, एक टांग पर खड़े होकर आपकी सेवा की है, कभी ऊ आ नहीं किया, और आप ऐसा कह रहे हो, कुछ तो दे दीजिए साहब, बहुत जरूरत है। तू जबान ला रहा था हमसे? देखिए अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। अब 10 बार पैसे मांगेगा तो भी एक पैसा नहीं मिलेगा। कि डाका डाला डाका डाल, चोरी करनी है चोरी कर, एक पैसा नहीं मिलेगा तुझे। शिक्षा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब तो वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। मैं बताऊंगा तुझे। क्या कर रहे हो आप, शांत हो जाइए। एक मिनट, तुम अंदर जाओ, चंदर अंदर जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप, नौकर पर हाथ बता रहे? आप शांत हो जाइए प्लीज, आपका बीवी मर जाएगा, आप शांत हो जाइए। कैसे अकड़ के बात कर रहा था? हाँ मैंने देखा, मैं उसे समझाती हूँ, मैं उसे प्यार से बाद में समझा दूंगी, आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज फॉर योर हेल्थ। ठीक है, मैं वो आउट हाउस के स्टडी रूम में जा रहा हूँ, कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। पता नहीं कहां रह गया, आज अगर काम नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। हा? कौन है? अरे मैं हूं यार। कहां रह गए थे, मैं कब से तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। कुछ हुआ? नहीं। तुम तो कह रहे थे कि। चिंता मत करो, आज काम हो जाएगा, बस उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा? घर के सारे कैमरे बंद कर दिए हैं और किसी को पता भी नहीं चला। अब घर के अंदर क्या होने वाला है, कौन करने वाला है, ये सब एक राज रह जाएगा। तुम लाए तो हो ना? तो लाओ। तो मैं चलूं? हाँ। दस बज गए, डिनर का टाइम हो गया, और ये दोपहर से आउट हाउस में अब तक आए क्यों नहीं? चंदर, चंदर, ये चंदर चोरी छुपके कहाँ जा रहा है? आने दो इसको, खबर लेती हूँ उसकी, पहले इन्हें तो देख लूँ कहाँ है ये। अंधेरा क्यों यहां पर? रमेश, रमेश, ये देखो सो रहे यहां पर। रमेश उठो, डिनर का वक्त हो गया है, उठो रमेश। डिनर का टाइम हो गया। सर लगता है आत्महत्या का मामला है। चेवंती, कभी कभी जो दिखता है जरूरी नहीं वही सही हो। रमेश जी के पास तो गन थी नहीं, तो गनाई कहां से? और एसीपी साहब का भी कहना है कि वो रमेश जी को अच्छी तरीके से जानते थे, वो एक मशहूर एक्टिविस्ट होने के साथ साथ समझदार आदमी थे, काफी मजबूत दिमाग के आदमी थे, वो नहीं कर सकते। सर ये देखिए, ये जूते के निशान है, वो एक नहीं बल्कि दो अलग अलग जूतों के निशान है।
दो लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन सर, उन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि आउट हाउस में कोई आए, तो फिर ये सब। लेकिन श्रद्धा जी, कोई तो आया है यहाँ पे ना। आज सुबह रमेश जी से कोई मिलने आया था यहाँ पे? सर, मैं तो सामने वाले गेट पे रहता हूँ, वहां से तो कोई नहीं आया। किसी को आते जाते देखा? सामने वाले गेट से तो आउट हाउस दिखाई भी नहीं देता है। सर, इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई भी यहाँ पे आसानी से आ जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तो और सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा है, किसी ने जानबूझ के बंद किया है। वही तो, इसे देखो। मैंने जो भी पाप किए हैं उसके लिए मेरी कोई माफी नहीं है। इसके लिए मौत की सजा से कम कुछ और नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। सर, इस वीडियो से तो साफ हो गया है कि रमेश जी ने आत्महत्या की है। चेवंती, अगर इसे का मामला मान भी लें तो फिर अखबार में जो श्रद्धांजलि की खबर छपी थी उसका क्या? यहाँ दो आदमी के जूतों के निशान मिले हैं, उसका क्या? श्रद्धा जी, एक बात बताइए, हाल फिलहाल में रमेश जी के साथ किसी की कोई बातचीत हुई? आई मीन कोई लड़ाई झगड़ा कुछ याद आता आपको? कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। और फिर हमने उन तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। जयवंती, इनके एड्रेस निकलवा पुलिस रिकॉर्ड से। ठीक है सर। मयूर सर, सारे एविडेंस संभाल के रख लो और बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। जी सर। सर, सर, हमारे एक नौकर भी है, चंदन। चंदन? कहाँ है वो? पता नहीं, लेकिन सर मैंने उसे ना चोरी छुपे आउट हाउस से बाहर निकलते हुए देखा था। आज सुबह चंदन का और रमेश का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। किस बात के लिए? पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। तो कहीं चंदन ने तो नहीं है पैसों के चक्कर में? आपके पैसे ज्वेलरी वगैरह सब ठीक ठाक तो हैं? मैंने खुद देखा ही नहीं। चलिए देखते हैं। मयूर संभालना है। क्या हुआ श्रद्धा जी? मेरी सारी ज्वेलरी और पैसे गायब हैं। श्रद्धा जी, आप इधर आइए जरा। आइए। बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा आउट हाउस में था। चोरी तो चंदर ने ही की है। उसके पास यहाँ की चाबी कहाँ से आई? चाबी हमेशा रमेश के पास ही रहती है। इसका मतलब ये चंदर रमेश जी से चाबी लेने गया, उनका खून किया और उसके बाद इस चोरी को अंजाम दिया। सर, अलमारी अच्छे से चेक कर लो, देखो कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं क्या। ये चंदर आदमी कैसा था? दिखने में तो बहुत भोला वाला था सर। अभी बस दो महीने पहले ही वो आया था यहाँ पर काम पे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चंदर मेरे पति का खून कर सकता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो ऐसे कैसे कर सकता है? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि खून चंदर ने किया है। सर, ये देखिए, ये क्या है श्रद्धा जी? ये रमेश जी की वसीयत है ना? इसमें लिखा है कि उनकी मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे आपके नाम आ जाएंगे। और हैरानी की बात यह है कि यह विल एक हफ्ते पहले बनाई गई है और एक हफ्ते बाद ही उनकी मौत हो जाती है। संयोग ही है ना श्रद्धा जी? उनकी मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है तो आपको ही होने वाला है।
कहीं आपने ही तो आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझ पर चंदन को पकड़ने के बजाय आप मुझ पर शक कर रहे हैं। बाकी लोगों की तरह आप यही सोच रहे हैं कि मैंने रमेश के साथ पैसों के लिए शादी की, ऐसे नहीं है। पैसों के अलावा भी और चीजें होती है, प्यार, और मैंने उनसे सच्चा प्यार किया था, मैंने सच्चा प्यार किया था उनसे। श्रद्धा जी, हम एक्चुअली जांच पड़ताल कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे क्या हुआ है और क्या नहीं ये तो हम पता लगा ही लेंगे। लगता है मिलन और रॉकी आ गए। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ सर आइए, पर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तुम और तुम्हारे दोस्त एक्टिविस्ट रमेश जी को जानते हो, है ना? हाँ। उनका खून हो गया है। खून? जी हाँ, खून। कल रात आप और आपके दोस्त कहाँ थे? सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हमने तो गाड़ी के रिपेयर के पैसे भी दे दिए थे और कोर्ट ने भी हमें बेल दे दी है। सर हमने कुछ नहीं किया है। देखिए ये सब हम पता लगा लेंगे, आप सर इतना बताइए कि कल रात आप कहाँ थे? वो हमारे साथ थी। आप लोग कौन? सर मैं मिलन और ये मेरा दोस्त रॉकी। और हाँ सर आप ये मूवी की टिकट्स भी देख सकते हैं, कल टीना हमारे साथ मूवी देखने के लिए गई थी सर। और सर वैसे भी हमारा उस खूसट बुड्ढे से कुछ लेना देना है नहीं, और सर आप यहाँ पे ऐसे बिना वारंट के कैसे? पहले तो रमेश जी के बारे में जरा इज्जत से बात करो, कई मुजरिमों को उन्होंने जेल में भेज दिया है, और रही बात हमारी तो सीआईडी क्या क्या कर सकती है इस बात का अंदाजा नहीं है तुम लोगों को। सर जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो आप हम पर शक क्यों कर रहे हो? यह खून हुआ है और तुमने रमेश जी को धमकी दी थी ना, छोड़ूंगा नहीं। हाँ सर कहा था, पर तब मैं गुस्से में था। और ये तुम्हारे जूते पे ये मिट्टी कहां से आई? पता नहीं सर, लग गई होगी। लग गई होगी या फिर रमेश जी के घर पे लग गई। एक काम करो तुम अपने ये जूते धो हमें। अरे सर मैं आपको सच बोल रहा हूँ, हम वहां नहीं गए थे। हम एक मिनट, जितना कहा जाए सर उतना करो, समझे? रॉकी जूते दे दे, देते दे दे। वैसे भी जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का? और एक बात कहा था सर, बिना परमिशन के तुम में से कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, और हाँ जरूरत पड़ी तो हम फिर यहां आएंगे। चलो। तुम सही कह रहे थे, रमेश जी ने आत्महत्या नहीं की, इनका खून हुआ है। सर ये कैसे पता चला? अभी बताते हैं कैसे पता चला। तारिका वेट, देखो बस ये दोनों के हाथों में गन पाउडर देखो। तो इस रमेश के हाथ के ऊपर जो गन पाउडर के निशान है ना, बिल्कुल अलग है, पैटर्न ही अलग है। तारिका के हाथ पर जो गन पाउडर के निशान है उस पैटर्न से अलग। बस ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई गोली चलाता है तो गन पाउडर उसके हाथों पे लग जाता है, ठीक वैसे ही जैसे तारिका के हाथ पे लगा है। और रमेश जी के हाथों पे ये पैटर्न इसलिए अलग है क्योंकि इनके हाथों पे किसी ने गन पाउडर छिड़का है। इसका मतलब इन्होंने अपने आप तो गोली अपने हाथों से नहीं चलाई। ये तो बहुत बड़ी बात बताई तूने सारंगे, बहुत बड़ी बात बताई। थैंक यू बोल सकते हो। पहले ये तो बता जूतों के निशान का क्या हुआ? बता दे यार। ये जो जूते आप लोग लेकर के आए ना, ये किसी भी फुटप्रिंट से मैच नहीं होते। लेकिन हाँ, ये जो गन है, इस गन पर रमेश जी के अलावा किसी और के भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। ओह,
अब तक जितने भी सबूत हमें मिले हैं उससे एक ही आदमी पे शक जाता है, इस चंदर पे। चंदर बिल्कुल हो सकता है सचिन, पता लगाओ चंदर इस वक्त कहां है, उठाओ उसे। ट्रेन का टिकट लेने को बोला था वो भी तुमसे नहीं हो पाया, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब ये पैसे और सोना लेके मैं कहाँ कहाँ घूमूं? ठीक है, भैया रेलवे स्टेशन जाना है, कहाँ लेके जा रहे हो? शॉर्टकट है शॉर्टकट। अरे शॉर्टकट बोल के तुम हमको कब से घुमा रहे हो, नया समझे हो क्या? समझ गए, तो तुम हमारे पैसे और सोना लूटने के चक्कर में हो क्या? तो कान खोलकर सुन लो, पैसे और सोना के साथ साथ हमारे पास एक और चीज है, ये तमंचा। कुछ उल्टा सीधा करने की सोची ना तो ठोक देंगे। ये वही तमंचा ना जिससे तुमने रमेश जी को टपकाया था? साहब मैंने खून नहीं किया, मैंने सिर्फ चोरी की थी, वो भी नहीं करता। अगर रमेश साहब ने एडवांस दे दिया होता तो। झूठ, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, गन के ऊपर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले और आउटहाउस के अंदर जो जूतों के निशान मिले वो तुम्हारे हैं। रमेश साहब आउट हाउस में थे और बिना चाबी के मैं तिजोरी खोल नहीं सकता था, इसीलिए चाबी लेने में वहां गया था साहब। अपने साथी के साथ क्यों? नहीं नहीं साहब, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला गया था। तो फिर वहां दो दो जूतों के निशान कैसे? साहब वो जरूर उस दूसरे आदमी के होंगे। दूसरा आदमी? कौन दूसरा आदमी? अरे बाप रे, साहब ने आज कर ली। रमेश चंदर जो काम करने आया करके निकल जाओ यहां से। कौन कौन है? तुमने इस साहब को मारा है ना? कौन? तुमने इस साहब को मारा है ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? फिर क्या हुआ? साहब चाबी मिलने के बाद मैंने घर में चोरी की और उसके बाद भाग गया। उस दूसरे आदमी को तो देखा होगा ना तुमने? नहीं साहब मैंने नहीं देखा साहब, पर वो वही होगा जो कई दिनों से घर के आस पास घूम रहा था और घर पर नजर रखे हुए था साहब। अखबार में जो श्रद्धांजलि छपवाई थी वो श्रद्धांजलि रमेश जी की, जिसने भी वो छपवाई थी ना उसी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है रमेश के खून के साथ। क्या बात कर रहे हैं आप, रमेश जी की मौत हो गई? बड़े हैरानी की बात है, कल ही तो मैं उनसे मिलकर आया था। हैरानी की बात तो ये है मिस्टर विपुल कि उनकी मौत से पहले ही उनकी मृत्यु की खबर छाप दी गई थी और वो भी आप ही के अखबार में। मैंने सीसीटीवी फुटेज अच्छी तरह से चेक कर लिए, जिस आदमी ने रमेश जी की श्रद्धांजलि का ऐड दिया था उसका चेहरा तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा,
लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है उससे मैंने एक तस्वीर निकाली, इसमें तो कुछ भी साफ दिख नहीं रहा। जैसे विपुल, हमें पूरी डिटेल चाहिए उस आदमी की जो यहाँ पे विज्ञापन देने के लिए आया था। जी, मैं अभी देता हूँ। ये रहा वो रजिस्टर जिसमें विज्ञापन देने वालों की लिस्ट होती है और उनकी डिटेल्स, ये लीजिए। ये रहा सर, उसका फोन नंबर और एड्रेस। This number is not in existence. नंबर गलत है। सर, उसका एड्रेस भी है, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। जवंती, जिस आदमी ने नंबर ही गलत दिया है वो अपना सही एड्रेस क्यों देगा? ये विज्ञापन दिया किसने है ये पता कैसे चलेगा? अच्छा, वो डेथ सर्टिफिकेट तो होगी ना इस विज्ञापन के लिए उसने दी होगी, तो दिखा। हाँ, मैं अभी मंगवाता हूँ। हेलो किशोर, हाँ जरा वो रमेश जी का डेथ सर्टिफिकेट लेके आना। ये रही डेथ सर्टिफिकेट। क्या बात है? क्यों सर, इतनी सफाई के साथ फेक सर्टिफिकेट तो सिर्फ एक ही आदमी बना सकता है। सर कौन? गंगा। दया सर, आप कैसे हो रंगा? बस सर, आपकी दया है सर। अच्छा खासा धंधा जमा लिया है तुमने। आपने गलत काम छुड़वाया ना सर, तभी तो धंधा जमा पाया सर। वैसे सर, आप लोग क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सर अचानक आपका आना कैसे हुआ सर? इसे ध्यान से देखो, ये सर्टिफिकेट तुमने बनाया है? नहीं सर, जब से दया सर के लाफे पड़े ना सर, तब से गलत धंधा छोड़ दिया सर। नाटक करना बंद कर, समझा? सर दुकान की तलाशी ले। तलाशी किस बात की सर, मैंने बोला ना सर, गलत काम बंद कर दिया सर। जयंती, मयूर, नजर रखो इस पे, तलाशी लो। अब मैं भी आता हूँ सर। खड़े रहो यहीं पे। भी नहीं सुधरेगा। सचिन, हाजिर। माय गॉड, बुलाओ उसे। हेलो, क्या ये क्या सर? गलती हो गई साहब, मैं लालच में आ गया था साहब। उस लड़की ने मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे देने का लालच दिया और उस वजह से मैंने नकली डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। कौन थी वो लड़की? नाम तो पता नहीं मैडम, लेकिन हाँ, वो खूबसूरत सी जवान लड़की थी और कद उसका 5 फीट 2 इंच या 3 इंच के आसपास होगा और घुंघराले से बाल थे और सर बालों में वो यहाँ कुछ पंख जैसा लगा रखा था। पंख जैसा? हाँ। तो ये सब टीना कर रही है। आप लोग आइए आइए। आप लोग मेरे घर में ऐसे कैसे घुस सकते हैं? जरा इनको परमिशन सर्टिफिकेट दिखाना सचिन। ये देखिए, कुछ याद आ रहा है? ये सब क्या है? ये सर्टिफिकेट आपने बनवाया था रंगा से। रंगा? हाँ रंगा, अभी ड्रामा बंद करो, तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम तीनों का जेल जाने का वक्त आ गया है। नहीं सर,
इन सब में उन दोनों की कोई गलती नहीं है। आप चाहे तो भले मुझे अरेस्ट कर लीजिए। वैसे भी अब हम इस रॉकी को अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब खुद देख लो। रॉकी, तुम लाश को हाथ नहीं लगा सकती। लाश? रॉकी, रॉकी, टीना, रॉकी, रॉकी। देखो टीना, अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बताओगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मंजूर है? मैं सब बताऊंगी। बताओ। उस श्रद्धांजलि वाला एड भी हम लोगों ने ही छप पाया था। और रमेश जी की मौत भी हमारी वजह से हुई थी। वो कैसे? रमेश जी की मौत कैसे हुई? एक्सीडेंट के बाद मिलन ने रॉकी के साथ मिलकर रमेश जी से बदला लेने का प्लान बनाया था। तो तुमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने मना किया था सर, पर रॉकी मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने कैसे भी मुझे इन सब में शामिल कर लिया। और उस रात हम रमेश जी के घर गए। रॉकी सोच ले यार, हम जो कर रहे हैं वो ज्यादा तो नहीं है ना? नहीं, ज्यादा नहीं है। आज इस बुड्ढे को सबक सिखाना पड़ेगा। चल दिखाते हैं ऐसे क्या कर सकते हैं। ठीक है चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल। मेरे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। क्या बात है यार, सर पे बंदूक रखते ही तोते की तरह बोलने लगा। ये सब तुम मुझे मुझे डराने के लिए कर रहे हो ना? डर क्या होता है, अब तुझे बताता हूं। ये क्या हो गया रॉकी? इसमें तो नकली गोलियां थी ना, हम तो सिर्फ डराने वाले थे। रॉकी, रॉकी! मुझे तो मिलन ने एक गन दी थी, उसने कहा था इसमें नकली गोलियां है। इसका मतलब है मिलन ने हमें डबल क्रॉस किया है। सर ये सब मिलन की वजह से हुआ है, उसी ने किया है सर। मिलन ने? वो कैसे? क्योंकि उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना था। हमारी मदद से उसने ये सब किया, पर बाद में वो हमें धमकाने लगा, कहने लगा कि अगर हमने अपना मुंह खोला तो मैं और रॉकी फंसेंगे, क्योंकि खून तो रॉकी के हाथों ही हुआ था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुम आंख बंद करके मिलन की बात क्यों मानते रहे? अपने आप को सीआईडी के हवाले भी तो कर सकते थे ना। वही तो करने वाले थे सर, लेकिन हम ऐसा करते, उसके पहले मिलन ने रॉकी को मार दिया। अब वो मुझे भी मार देगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, जब तक हम हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे रमेश ने किया क्या था मिलन के पिता के साथ? मिलन ने बताया था कि उसके पिता शांतनु को रमेश जी की वजह से ही सजा मिली थी। शांतनु? मिलन के पिता शांतनु? हाँ, शांतनु 20 साल पहले की बात है। शांतनु एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, पैसे लेता था लोगों को मारने के, लेकिन ऐसे मारता था लोगों को जैसे लगे कि उसने हत्या की है। लेकिन रमेश ने मेरी मदद लेकर इस शांतनु को पकड़वाया था। इस मिलन का फोन ट्रैक करो, देखो कहां पर है वो। हाँ सजन, क्या हुआ मिलन का? नहीं सर, उसका फोन कल से बंद आ रहा है सर। फोन बंद आ रहा है? क्या हुआ, भूत देखा? इसमें तो मेरी मौत की खबर है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि, एसीबी प्रद्युमन। बद्दा मजाक किया है किसी ने। सर ऐसे ही मजाक किसी ने रमेश जी के साथ भी किया था। जयवंती, रमेश की बात अलग है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हेलो क्या ठीक है सर विलन का पता चल गया सर तो फिर चलो उठा दे उसको क्या हुआ है? सर कहीं खूनी का अगला निशाना आप सर अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चों जैसी बातें मत करो अभी तक बहुत धमकियां मिली है मुझे लेकिन कोई भी एसीबी प्रद्युमन का बाल तक बाका नहीं कर पाया समझे और एक बात अगर हम धमकियों से डर गए ना तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा हमसे कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कुछ नहीं होगा मुझे मिलन देखो हमें खबर है तुम यहीं पर ही छुपे हो बेहतर होगा कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो तो ये सब तुमने किया है हाँ मैंने किया है 5 साल से तुम्हें और रमेश को ढूंढ रही थी फिर एक एक्सीडेंट की वजह से वो सन की बुट्ठा रमेश मिल गया और इस केस की वजह से तुम देखो टीना तुम्हारा बाप कोई अच्छा आदमी नहीं था खूनी था वो खूनी मेरे पिताजी को इलाज की जरूरत थी पर तुम लोगों ने मौका नहीं दिया कोई इलाज की जरूरत नहीं थी तुम्हारे पिता को उसने मासूम लोगों की जान ली है समझी इस गन में सारी गोलियां नकली हैं। मैं तो पहले से ही जानता था कि शांतनु की सिर्फ एक ही बेटी है एक टीना सर ने तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से पता कर लिया था पर सबूत नहीं था हमारे पास इसलिए ये कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया सब कुछ पता था आप लोग को और अब तो सबूत के साथ साथ हमारे पास एक गवाह भी है मिलन मुझे माफ कर दीजिए सर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हारी इस गलती को कोई माफी नहीं तुमने दो दो मासूम जाने ली है अब तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.